Good morning from Narkanda. वाह, पूरे बादल एकदम पहाड़ के ऊपर लेट गए हैं, ढके हुए हैं सारे पहाड़। तो रेडी हो गए फिर से एक बार और फाइनली, क्योंकि आज हम जो है यहाँ से निकल करके जाएंगे दिल्ली की तरफ अपने घर। तो होपफुली आज हमारा जो है वो 450 किलोमीटर के आसपास का जो ड्राइव है उसके बाद हम अपने घर पहुँच जाएंगे। तो इन जो पहाड़ है, ये जो वादियाँ हैं, इनको फ़िलहाल के लिए अलविदा और पहुँचते हैं अपने घर। तो अब सब सर्दियों वाले जो कपड़े थे, विंटर लाइनिंग्स वगैरह जैकेट से, वो सारी चीज़ें निकाल दी हैं, क्योंकि अब हम बढ़ेंगे तो अब इतना ठंडा नहीं। तो मौसम यहाँ पे ठीक है, मतलब इतना ठंडा नहीं है। पहाड़ों में जिस तरीके का मौसम होता है उस तरीके का है, हल्की हवा है जो कि हल्की सी ठंडक है। जब हम लोग काजा में थे, जब हम लोग चंद्रताल में थे, बाप रे बाप क्या ठंडक थी, गजब की। तो अभी सारे गर्म कपड़े बाहर और अपनी गर्मियों वाले कपड़े डालते हैं और निकलते हैं यहाँ से दिल्ली की तरफ। तो हो गया रेडी, पेट्रोल भराना है और फिर निकलते हैं। जय बजरंगबली। नारकंडा अच्छी जगह है, अगर आप शिमला से तंग आ चुके हैं तो नारकंडा एक्सप्लोर करिए। छोटी सी जगह है, भीड़ भाड़ भी कम, बहुत अच्छा है। फुल कर दे रहा भैया, 98 पेटीएम चल जाता है, पेटीएम कितना हुआ, 839। जय बजरंगबली, हो गया पेट्रोल टोल फुल, करो मदद, पहुँचे घर। हवा में थोड़ी थोड़ी ठंडक है, पर जैसे जैसे कहीं रुक जाते हैं, अगर जैसे अब यहाँ पे रुक गए तो पसीना आने लगा। बस थोड़ा बहुत ठंडा मिलेगा हमें कुफरी में, थियोग कुफरी इन्हीं सब के आसपास थोड़ा बहुत ठंडा मिल सकता है। उसके बाद तो मौसम सब गर्म ही रहना है। तो शिमला है 64, थियोग है 63, अम्बाला है 209। तो अम्बाला 209 किलोमीटर चलने में हमें 3-4 घंटे लगेगा और फिर बाकी नीचे प्लेन्स पर। कृपया पुनः पधारे नगर पंचायत नारकंडा। ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट, पराठे और दही अचार। तो शिमला अभी 30 किलोमीटर दूर है, योग क्रॉस हो गया, ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब निश्चिंत बढ़ते रहो आगे की ओर। ये है ट्रैफिक जाम शिमला का, क्योंकि शिमला में चल रहा है वीकेंड स्पेशल। देख रहे हो लंबी लाइन, गजब, पता नहीं कहाँ तक, उधर से बस आ रही है भाई। ये सब आए दशहरा की छुट्टियाँ मनाने, लॉन्ग वीकेंड। तो अगर आप लोग कोई लॉन्ग वीकेंड में शिमला आना चाहते हैं तो समझ लो कि ऐसा ही जाम मिलेगा। अपने होटल में बैठो शांति से या फिर अपने घर में बैठो, लेकिन शिमला, हाय हाय शिमला। अभी भी शिमला से जो ट्रैफिक है वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी हम लोग ट्रैफिक में हो गया काफ़ी टाइम और वो सामने शिमला बसा हुआ। वाह, वो वहाँ ऊपर जाखू टेंपल, सबसे ऊपर। सुंदर तो है शिमला, पर वही है ना, हर किसी को शिमला ही आना है। काफ़ी देर हो गया फिर भी अभी ट्रैफिक नहीं ख़त्म हुआ पूरी तरीके से, और आर्मी का भी पूरा काफिला आ रहा है। ये शक्तिमान ट्रक भी आएगा देखना, गजब ट्रक, पावरफुल, मतलब इसमें ड्राइवर भी कितना चिल रहता है, अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी कितना चिल हैं, और हमारे वाले जो नॉर्मल ट्रक हैं वो ज़्यादा हिले डुले जाते हैं, चढ़ाई में जोर लगा देते हैं। शोगी भी एक छोटा सा हिल स्टेशन टाइप का है, हिल स्टेशन क्या, हाँ थोड़ा सा हिल्स तो अच्छी हैं, यहाँ से दिख रही हैं। शोगी भी इंसान आ सकता है, यहाँ पर रुक सकता है, छोटा सा टाउन है। सोलन, परवानू, बद्दी। टाइम हो गया है 1 o'clock, तो कुछ खाया जाए कहीं पे बैठ के, एप्पल ले जाना है, गोल्डन एप्पल भी है। तो हो गया अपना यहाँ पे लंच, पराठे खा लिए। सोलन से दूर है, सोलन अभी भी 24-25 किलोमीटर दूर है कुछ,
ये सबको टेंशन नहीं है, पेट भरा हुआ है ना, पेट भरा रहता है तो बस मस्त काम रहता है। बेकार भी आ गई। तो ये बादल सोलन और उसके ऊपर बादल छाए हुए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। अब हम लोग यहाँ से सीधा निकलते रहेंगे नीचे की ओर और जितना मतलब जल्दी हो सके, पर मौसम अच्छा भरा हुआ है अभी तक, हवा ठंडी है। सुनसान रास्तों पे, खराब रास्तों पे चलाने में इतनी थकान नहीं हुई जितनी थकान, जितना बोरिंग ये अच्छे वाले हाईवे हैं। चले जा रहे हैं सुबह से, इतना ट्रैफिक शिमला के बाद से तो बाप रे बाप बहुत ट्रैफिक है। बट एनीवेज गुड है, चलते हैं आगे। अभी थोड़ा सा अब पहाड़ियाँ कम हो गई हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। पिंजौर पहुँचने वाले हैं, पिंजौर लगभग 12 किलोमीटर है। जब मैं छोटा था तब एक बार गया था मम्मी पापा के साथ में पिंजौर, आएंगे फिर कभी दोबारा। तो पिंजौर और फिर पंचकुला अम्बाला बढ़ते चलते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री ख़त्म हो गई, अम्बाला 62 किलोमीटर है अभी, और जो धीरे धीरे पहाड़ियाँ थी उनका एंड हो चुका है, पहाड़ियाँ ख़त्म, और अब हम धीरे धीरे प्लेन्स में आ ही चुके हैं। यार प्लेन्स का ट्रैफिक और गर्मी, भयानक गर्मी हो रही है, कहीं रुक के सारे जैकेट के पैंट के वेंट्स खोलने पड़ेंगे। अभी ट्रैफिक कहीं ख़त्म हो तो फिर मैं जो है इनकी खिड़कियाँ खोलूँ, बहुत गर्मी हो रही है। मुझे लग रहा था कि नीचे भी ठंडक आ गई, सोचा नहीं था कि इतनी गर्मी हो जाएगी यहाँ पे। इवनिंग टी ब्रेक हो गया और ये जो सामने दिख रहा है ना वो है मील का पत्थर, ये है मील का पत्थर। तो शेर शाह सूरी ने जब ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी तब उसने ये रखवाए थे यहाँ पर।